आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जलने पे आपको करना क्या है। तो जलता इंसान कब है? या तो कोई एक्सीडेंटल, या तो घरों में, या तो दिवाली पे, खासकर फेस्टिवल्स पे, दिवाली में। तो यहाँ पे 1 मिनट लूंगा जिसमें आपको टिप देता हूँ फटाफट। दिवाली पे कभी भी आप दोस्तों टाइट कपड़े ना पहने, ढीले कपड़े पहने, जिससे क्या होगा कि अगर आग लग भी जाती तो आप कपड़े आसानी से निकाल पाएंगे। और सूती कपड़े पहने, क्योंकि सूती कपड़ा जल्दी आग नहीं पकड़ता है। अब इंसान को आग लग गई है या वो जल गया है, तो आपको करना क्या है? देखो भाई, अगर ज्यादा आग लगी है, वो बिल्कुल बहुत तेज, तो आपको उसको कम्बल डाल के आग बुझानी है। कम्बल डाल के आग बुझाएंगे तो बहुत जल्दी आग बुझेगी। पानी वानी ना डालें, एकदम से आप पानी डालने लगे तो ये तो ठीक है, आग बुझ गई है। तो अब आपको करना क्या है, उस पेशेंट को डिटरमाइन करना है कि भाई आग कितनी लगी है, मतलब उसका जो बर्न है कितने डिग्री का है। एक्चुअल में जो बर्न होता है ना, डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि उसका सुपरफिशियल जो होती है स्किन, वो जलती है। फर्स्ट डिग्री मतलब हल्की हल्का जल गया, मतलब कि उसकी जो एपिडर्मिस होती है, स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वो अकेली जलती है, उसमें क्या होता है, खाल उखल जाती है हल्की सी, या सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि भाई वहां पर फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, उनमें से लिक्विड निकलता है, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंड डिग्री बर्न। तो और थर्ड डिग्री जिसमें इंसान पूरा जल जाता है, उसके सारी मसल्स जल जाती हैं, हाथ पैरों का मांस जल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी केसेस हो जाती हैं। तो हालांकि थर्ड डिग्री बर्न में तो आपको हॉस्पिटल रेफर करना ही है इंसान को, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में। बात करते हैं दोस्तों कि फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होगा कि इंसान की जलन पड़ेगी, उतना तो रेड हो जाएगा एरिया, तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो उसमें क्या करना है, आपको इंसान का हाथ पैर जो भी अंग है उसको ठंडे पानी के अंदर डुबो देना है 20 मिनट तक, या ठंडे पानी के अंदर चलते हुए पानी में हाथ को धुलाना है या धोते रहना है। इससे क्या होगा कि हीट कम हो जाएगी, तो इंसान को आराम मिलेगा, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जलन पड़ती है बहुत ज्यादा। तो यही करना है। उसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या ठंडा वैसलीन, बोरोप्लस कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री बर्न के बारे में। देखो भाई, सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होगा कि फफोले पड़ जाएंगे, उनसे पानी आने लगेगा, तो सेम यही करना है। लेकिन उसमें आपको हाथ या पैर को जो भी हो उसको 30 मिनट तक, आधे घंटे तक ठंडे पानी में डुबो के रखना है, और धो सके, हो सके तो धो भी लें। इससे क्या होगा कि उसके धूल, मिट्टी के कण, बारूद वो सब निकल जाएगा। अगर नहीं निकालोगे आप, तो उसको आपको टिटनेस या सेप्टिक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो सब निकाल के आपको हाथ को सुखा लेना है, और यहाँ पे बर्नोल नाम की क्रीम लगाना है। जरूरी नहीं है बर्नोल लगाएं, आप बर्न हील लगा सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, अमीना क्राइन और सिट्रमाइट। ये आप नोट कर लें, अमीना क्राइन क्रीम और सिट्रमाइट, ये आप क्रीम लगाएं, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दर्द ज्यादा हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो चाहे सेकेंड डिग्री हो, इसमें आप आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल की गोली खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड डिग्री बर्न है, तो आपको हॉस्पिटल रेफर जरूर करना है। और एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों, घरों में अधिकतर लोग गलतियां करते हैं, कुछ भी उस पर लपेटते हैं, जहां पे जल गया वो कुछ भी घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, कुछ भी किसी पेड़ पौधे का रस टपकाते हैं उस पर, या कुछ भी ऐसी गलती ना करें। क्योंकि देखो भाई, जो स्किन जल जाती है ना, जहां पे चमड़ी उधड़ जाती है, वो जगह इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वहां पे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। लोगों की जान तक चली जाती है इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जली हुई जगह पे कभी भी टच भी ना करें। मेरा कहना तो ये कि आप गंदे हाथों से कभी टच भी ना करें, और जो फफोड़े पड़ गए उनको फोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, पानी ना निकालें, वो अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो ये गलतियां ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।